भाई ऋतिक रोशन ने आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अपने 75 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को इनकार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यूजर नेम है RJ_IG। हाँ जी, ऋतिक रोशन अपना OTT डेब्यू करने वाले थे डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ, जहां पर द नाइट मैनेजर का रीमेक बनाया जा रहा था, हिंदी रीमेक, जिसके लीड कैरेक्टर के तौर पर लिया गया था ऋतिक रोशन को। शुरुआती दौर में ऋतिक रोशन ने हाँ किया हुआ था इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी खबरें ऐसी हैं कि ऋतिक रोशन ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया है, ऑप्ट आउट कर लिया है। रीजन ये बताया जा रहा है कि ऋतिक रोशन इस फिल्म के लंबे शेड्यूल से परेशान है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसका जो शेड्यूल है, शूट शेड्यूल है, वो काफी लंबा है और ऋतिक रोशन को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनके बाकी भी प्रोजेक्ट इधर उधर उलझे हुए हैं। और इसीलिए, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ये सिर्फ खबरें हैं कि ऋतिक रोशन ने इनकार कर दिया इस फिल्म के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म पूरी की पूरी होल्ड पर चली गई है, क्योंकि इसके शेड्यूल में काफी चेंजेस हुए हैं और जिसको लेकर क्रू भी खुश नहीं है। अब देखते हैं पूरी जानकारी क्या है, लेकिन अभी पुख्ता खबरें तो यही कहती हैं कि ऋतिक रोशन ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया है, जिसके लिए उनको 75 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। अब देखते हैं आगे, जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।